आगे के लिए उसकी दृष्टि बनाई जाती है। कुछ शेर मल्टीबैगर तब बने हैं जब कुछ लोगों ने उसके अंदर वो चीज़ें खोज ली जो आसपास के लोग उस वक्त नहीं खोज पाए जब वो शेर नीचे की तरफ था और वो गिर रहा है, भागा, हजार तक मिल रहा है। इसी तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा की बारी आई, 700, 800, 900, 1000 में टहलता रहा, आज शेयर 2500-2600 करीब का है। अब बस अगर इस वीडियो के माध्यम किसी को समझ में नहीं आए ना, आज रात 11 से 1 बजे तक व्हाट्सएप में इसका व्यू समझ लेना मेरे के। कुछ लोग शेयरों को नहीं खरीदते, वो वैसा ही हो जाता है जैसे कि 20 रुपये के शेयर को हम उस वक्त नहीं खरीद रहे हैं जब वो गिर रहा है, मान लो कह रहा हूँ मैं 200 का भी हो सकता है, 500 का। जैसे जैसे 4 तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे हर एक निवेशकों को मार्केट के रुख को जानने की दिलचस्पी जागती जा रही है। कुछ लोग 4 तारीख को ही अपनी खरीदारी करने के मूड में हैं, कुछ लोग अभी से अपनी खरीदारी कर रहे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे हिंडाल्को की। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर हिंडाल्को के ऊपर वीडियो बनाइए, और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर कोई कॉपर वाली कंपनी बताइए जो आगे और ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, तो उसके बारे में भी आज हम अपनी दृष्टि को बनाएंगे और देखेंगे कि आगे के लिए आज की वीडियो से क्या व्यू मिल रहा है। इन सब की बात करने से पहले, जैसे जैसे 4 तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे हर एक निवेशकों को मार्केट के रुख को जानने की दिलचस्पी जागती जा रही है। कुछ लोग 4 तारीख को ही अपनी खरीदारी करने के मूड में हैं, कुछ लोग अभी से अपनी खरीदारी कर रहे हैं, और कुछ लोग इसके लिए पहले से खरीदारी करके बैठे हैं। सबके अपने अपने नियम चलेंगे। वैसे मेरे नियम मुझे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया अब धीरे धीरे मार्केट के रुख में, अभी तो तेज़ी आ ही रही है वैसे, और तेज़ी आने की संभावना अगर धीरे धीरे बढ़ती गई तो लाजमी ऐसा मुझे लगता है कि 4 तारीख को तेज़ी के साथ आगे जाकर फिर प्रॉफिट बुकिंग की भी चीज़ें आएंगी। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि भैया 4 को ही हम वो चीज़ों को खरीदें और 4 के मूड के हिसाब से ही वो चीज़ें बनाएं। वो आना ना आना तो अलग बात है, पर अगर ये सरकार आई, ये तो मैंने नहीं कहा ना, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, ये तो हमने नहीं कहा है, ये तो अमित शाह जी ने कहा है, ये तो अलग अलग नेता कह ही रहे हैं कि भैया तेज़ी आ जाएगी और एक हफ्ते तक की तो वो चीज़ें हैं, पर हम तो एक हफ्ते से पहले इन चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से वो प्रॉफिट बुक हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है ट्यूसडे से या मंडे से ही धीरे धीरे शेयरों के अंदर तेज़ी आएगी, क्योंकि जब तक के शेयरों में तेज़ी नहीं आएगी तब तक के कुछ लोग शेयरों को नहीं खरीदते। वो वैसा ही हो जाता है जैसे कि 20 रुपये के शेयर को हम उस वक्त नहीं खरीद रहे हैं जब वो गिर रहा है, मान लो कह रहा हूँ मैं 200 का भी हो सकता है, 500 का, एक अनुमान बता रहा हूँ। 20 रुपये के शेयर को हम नहीं खरीद रहे हैं, हम सोच रहे हैं नहीं यार कुछ अलग चीज़ें होगी तब खरीदेंगे। 20 का शेयर 22 होगा, आपकी प्रतिक्रिया जाएगी, फिर वो 25 होगा, आपकी प्रतिक्रिया और ज़्यादा जाएगी, जैसे ही वो 27 होगा आप सोचोगे भैया कुछ ना कुछ होने वाला है, वो जैसे ही उसने 30 को पार करा तब आपकी प्रतिक्रिया जागेगी, और वो मेरे लाजमी वो गलत होता है। अगर इस वीडियो के माध्यम किसी को समझ में नहीं आए ना, आज रात 11 से 1 बजे तक व्हाट्सएप में इसका व्यू समझ लेना मेरे से, ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगा, बड़े बता दिया मैंने, इसको समझ लेना अब क्या इस चीज़ों के साथ है। देखो सर, बात करेंगे अशोक लीलैंड की। आपको पता ही है अशोक लीलैंड अपने आप में एक अच्छी कंपनी है और अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती जा रही है। डीजल बस हो या फिर इलेक्ट्रिक बस हो या फिर हल्के और भारी वाणिज्यिक वाहन के लिए अशोक लीलैंड को जाना जाता है, जो देश की दूसरी बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। लगभग 50 देशों में इसकी बाजार में मौजूदगी है और अपनी सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी के साथ इलेक्ट्रिक बाजार की तरफ यानी बसों की तरफ अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये तत्पर तैयार है। बाकी सारी चीज़ें इसके ऊपर मैं बता पहले ही चुका हूँ।
वैसे आपको ये जानना चाहिए कि अशोक लेलैंड ड्राइवर परीक्षण संस्थान होते हैं उसका भी प्रबंधन करता है, यानी जहाँ पर ड्राइविंग ड्राइवरों को ड्राइविंग सिखाई जाती है उसका भी ये प्रबंधन करता है। और जब से इसने इस चीज़ की स्थापना करी है करीब 8 लाख से ज़्यादा ड्राइवर को यह प्रशिक्षित कर चुका है, यानी परीक्षण दे चुका है। तो ये भी लाजमी है कि ये देश की कुछ रणनीतियों के साथ वर्क कर रहा है जहाँ पर ये ड्राइवर को प्रशिक्षित करके उनको ड्राइविंग के गुण सिखा रहा है। तो लाजमी अच्छी है ना सर, तो उस हिसाब से भी इस कंपनी को देखना चाहिए। देखो सर, जब से इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी लोग तो सोच रहे सर ये 200 पारी नहीं कर पाएगा, काफ़ी लोग ये सोच रहे थे 200 पारी नहीं कर पाएगा, पर अशोक लेलैंड ने वो करके दिखा दिया है। दो रणनीति मैं आपको बताऊँगा। पहले टाटा मोटर्स काफ़ी बढ़ नहीं रहा था, अचानक से वो भागा, 1000 तक मिल रहा है। इसी तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा की बारी आई, 700, 800, 900, 1000 में टहलता रहा, आज शेयर 2500-2600 करीब का है। अब अशोक लेलैंड बचा है, समझ गए हो? तो उन चीज़ों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, इसका कल रिजल्ट आया और रिजल्ट इतना अच्छा आने के बावजूद भी कंपनी के शेयरों में गिरावट आई। गिरावट तो कल सुजलोन एनर्जी के शेयरों में भी आपको देखने को मिल गई। देखो सर, मेरी वीडियो बनाने के माध्यम बड़े हल्के हैं, बड़े सरल हैं, और इन्हीं सरल भाषाओं में कुछ क्लू छुपे रहते हैं, और अगर वो उस क्लू को आप समझ ना पाए, उस सुराग को समझ ना पाए, फिर मुझे नहीं लगता कि हमारा मार्केट में काम करना औचित्य अच्छा है। क्योंकि जब भी किसी कंपनी की चीज़ों को हम समझते हैं उसके अंदर भी काफ़ी सुराग होते हैं, न्यूज़ में भी होते हैं, तो उन चीज़ों को अगर समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी तो भैया ये गलत हो जाएगा हमारे साथ। इसलिए कहता हूँ चीज़ों को समझो, क्योंकि कल इतने अच्छी वीडियो आपके लिए बनाई फिर भी एक बंदा निकल कर आया और उसने लिखा, वो क्या उसने अपने नाम के आगे लिखा किंग, और लिख रहा है बकवास, क्या बकवास वीडियो बना रहे हो भैया। जब आप किंग ही बन चुके हो अपने आप ही, तो आपको तो हर एक चीज़ बेकार ही लगेगी। हजारों में एक व्यक्ति अगर इस तरीके से आएगा और वो अपनी साइकोलॉजी हमें बताएगा, उससे ही हम जान लेते हैं भैया उस व्यक्ति ने चीज़ों को समझा नहीं है। चीज़ों को समझोगे तो कुछ अच्छा मिल जाएगा। मार्च 2023 में कंपनी ने करीब 13,203 करोड़ की सेल्स की और करीब 803 करोड़ का प्रॉफिट किया। देखो सर, कंपनी को जानने के लिए एक चीज़ होती है सेल्स ग्रोथ करें और प्रॉफिट करती जाए, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, फिर भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो हम उस कंपनी के अंदर अपने दाव लगा रहे हैं जो कंपनी आने वाले समय में ई बसों पर वी वर्क करते आपको नज़र आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। और बाकी आपको पता है डिफेंस के लिए ट्रक ट्रुक का ये तो चीज़ें करता ही रहता है, उसके लिए भी इनकी अच्छी चीज़ें हैं। तो किसी कोहिनूर को देखने के लिए, परखने के लिए उसमें समय देना पड़ता है, और जब तक के उसकी हर एक चीज़ उस वैल्यू के अनुसार नहीं आती तब तक के उसके अंदर होल्ड बनता है और आगे के लिए उसकी दृष्टि बनाई जाती है। कुछ शेयर मल्टीबैगर तब बने हैं जब कुछ लोगों ने उसके अंदर वो चीज़ें खोज ली जो आसपास के लोग उस वक्त नहीं खोज पाए जब वो शेयर नीचे की तरफ था और वो गिर रहा था। तो इसी तरीके से अपनी जिज्ञासा को आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखो सर, मार्च 2023 की आपको मैंने इसकी सेल्स बता दी, और मार्च 2024 में कंपनी ने करीब 13,578 करोड़ की सेल्स की, यानी सेल्स भी बढ़ा दी, और 934 करोड़ रुपये का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। उसके बाद भी कंपनी का शेयर 1-2 रुपये करीब गिर गया, शुरुआत में भाग रहा था, यहाँ से इस शेयर के अंदर मजबूती और आ जाएगी, मैं आपको बता दूँ, रखने वाली कह रहा हूँ मैं, रखने वाली मजबूती और आ जाएगी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो अशोक लेलैंड का रिजल्ट बेस्ट है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आदित्य बिरला ग्रुप जो है साल 2 साल से काफ़ी नज़रों में आ रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप दोबारे से वोडाफोन आइडिया के अंदर आए और वोडाफोन आइडिया को संवारने के लिए उन्होंने बड़ी जहदोजहद की, और उन चीज़ों को ब्रोकरेज फर्म वालों ने भी भापा कि भैया आदित्य बिरला ग्रुप कुछ ना कोई अच्छा काम करेंगे, तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वोडाफोन आइडिया का FPO 18,000 करोड़ का सफल होना, और उससे भी इनकी कुछ शेयरों के कंपनियों के मार्केट कैप बढ़ना, और अधिकतर इनकी जो टॉप कंपनियों में शामिल होती है, अल्ट्राटेक हो गया, ग्रासिम हो गया, और आपका हिंडालको, आज हम हिंडालको की बात करेंगे,
तो उनके भी मार्केट कैप ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले। और इस उपलक्ष्य में कल एक न्यूज़ निकल कर आई कि आदित्य बिरला ग्रुप का मार्केट कैप यानी कि पूंजीकरण जो हो गया है करीब 100 बिलियन डॉलर का हो गया है, जिसने एक मील के पत्थर को भी पार कर दिया है। तो भैया 100 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप संयुक्त में ग्रुप का हो गया है, जिसके अंदर वोडाफोन आइडिया, ग्रासिम, हिंडालको, अल्ट्राटेक, इन सारी चीज़ों की चीज़ें हुई हैं। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं सर, अल्ट्राटेक जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मूल्यवान सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक। छोटा मोटा नाम नहीं भैया, और वो किसका है? आदित्य बिरला ग्रुप का। बहुत बड़ा ग्रुप है ये भैया, इनके पास काफ़ी पैसे हैं। उन चीज़ों को आप देखो और उस हिसाब से वोडाफोन आइडिया भी आ गए, आपको समझाऊंगा। आज तो हम हिंडालको की थोड़ी सी बात आपके लिए करेंगे। तो फिर काफ़ी लोग कह रहे थे सर कॉपर के बारे में बताइए, यानी कि तांबा वाली कोई अच्छी एक कंपनी बताइए। तो सर तांबे वाली कंपनी और भी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आदित्य बिरला ग्रुप की हिंडालको क्यों तांबे की वजह से मुझे अच्छी लग रही है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ बताऊँगा। सबसे पहले आप ये समझो, कंपनी मूल रूप से मुख्य तौर पर काम करती है एल्युमिनियम और कॉपर में काम करती है। आपने देखा होगा खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसके लिए, जैसे कैन हो गया और आपका फॉयल पेपर हो गया, इस तरीके खाद्य चीज़ों के लिए ये एल्युमिनियम सीट और अन्य अन्य चीज़ों के साथ व्यापार करती है, जो कॉपर और तांबे की इनकी एक मुख्य तौर पर बिजनेस है। तो ये बिजनेस जो इनका है, इस कंपनी को काफ़ी आगे ले जाने के लिए तत्पर तैयार है। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 151,294 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई कंपनी का 699 रुपये करीब का है, लो कंपनी का करीब 404 रुपये करीब का है। शेयर कंपनी का चल रहा है इस टाइम 673 रुपये करीब का है। देखो सर, ये वो कंपनी है जिसने 2 साल से भी कम समय के अंदर अपने मार्केट कैप को 2 गुना सा कर दिया है। कंपनी की मार्च 2024 की अगर हम सेल्स देखें तो करीब 55,994 करोड़ रुपए की सेल्स है, और करीब प्रॉफिट कंपनी 3,174 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया, जो करीब 31.6% का अपना बढ़त की है शुद्ध लाभ में। बढ़िया बात है। दूसरा, कंपनी के पास रिजर्व भी है, दूसरा कंपनी का कैश फ्लो भी सही है। प्रमोटर कंपनी के अंदर करीब 34.35% के प्रमोटर हैं, और FIs कंपनी के अंदर करीब 26.82% के हैं। DIs कंपनी में 25.64% के, सरकार कंपनी के अंदर 0.35% की है, पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 12.08% के, अदर कंपनी के अंदर करीब 0.46% के। तो इसका शेयर होल्डिंग पेटेंट भी सही है। देखो सर, जब इन्होंने अपना रिजल्ट प्रस्तुत करा तो कंपनी के MD ने कुछ चीज़ें हमें बताई है। अब इस वाक को देखो, इनका फंडामेंटल तो मजबूत है। अब आप देखो कि आगे की मंशा इनके लिए क्या है, क्यों मैं कह रहा हूं कि कॉपर यानी कि तांबा के लिए क्यों विशेष कंपनी आगे हो सकती है। देखो सर, हमारे MD जो है हिंडालको के, सतीश पई है, और उन्होंने एक 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 बात बताई है कि उन्होंने हाल ही में जो आपने देखा है कि जो महत्वपूर्ण खनिजों की बोलियों की प्रक्रिया चल रही थी उसके अंदर इन्होंने तांबे की खदान बोली लगाकर हासिल की है। ये कंपनी के MD ने बता दिया है, समझ गए। तांबे की खदान, अभी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर मूल्यवान धातुओं की बोली लगातार चल रही है, तो उसके अंदर इन्होंने तांबे की खदानों को हासिल कर लिया है। कंपनी कह रही है कि कर्नाटक यानी MD कह रहे हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी निकल और कोबाल्ट के लिए भी बोली लगाने के लिए आगे भाग ले सकते हैं, यानी कि आगे ये महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भाग ले सकते हैं। कंपनी कह रही है कि भाई वो अपने निजी उपयोग के लिए, उपभोग के लिए आगे से कोई भी कोयले की खदानों के लिए बोली नहीं लगाएगी, नई कोयले खदानों के लिए बोली नहीं लगाएगी जो निजी यूज के लिए करते थे। ये भी आप समझ कर चलना। लिथियम की जो नीलामी हुई थी उसके अंदर भी कंपनी ने भाग लिया था, लेकिन आखिरी वक्त में कंपनी इससे बाहर हो गई थी। यहाँ से आपको इसलिए मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि एक तो कंपनी बेस्ट है, कॉपर और एल्युमिनियम में कंपनी काम करती है, कॉपर की खदान भी कंपनी ने जीत ली है, आगे से मनसा और खनिजों के लिए ये वर्क करने के लिए कंपनी तैयार है। तो इन रणनीतियों से आपको देखना चाहिए कि हमारा आदित्य बिरला ग्रुप है हिंडालको की वजह से भी वो अपनी
मार्केट कैप जो इनका पूरा ग्रुप का है 100 बिलियन डॉलर से पार हो गया है। तो ये एक मील का पत्थर है जो आदित्य बिरला ग्रुप की महत्वपूर्ण कंपनियां कर रही हैं, जिसके अंदर हिंडाल्को भी है, वैसे वोडाफोन आइडिया भी है, यह आप समझ लेना, वो भी आजकल तेजी के संकेतों के साथ। कंपनी कह रही है भाई वो देश की अंदर जो इस तरीके से खनिज संपत्तियां होती है उनके अंदर ही वो हिस्सा लेने के लिए तैयार है, बल्कि देश के बाहर कोई संपत्तियों में उसका रुचि नहीं है। अभी देश के अंदर बहुत काम होने वाला है। तो भैया समझो कि अगर आगे जाकर खनिजों के अंदर और ये बोलिया जीतता है तो कि किस किस दिशा में चल रहा है, ये आप समझो, है ना। तो कैसी लगी हिंडाल्को की आज की वीडियो आपको? देखो सर, ऐसा लगता नहीं आपको कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके आमने सामने होकर बातें करता हूँ, क्यों इतनी मैं इस तरीके से एनालाइज करता हूँ जो बिल्कुल सरल भाषाओं में चीज़ें हमें समझ में आ जाए, यही आगे काम आती है। कल मेरे पास रात के शायद 12 बजे करीब की एक कॉल आई, उन्होंने कहा था कि उन्होंने दिसंबर से ही मार्केट ज्वाइन किया है और अचानक से उन्होंने यूट्यूब में सर्च किया, उनको मेरी वीडियो पहले दिखी और जब से वो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ रहा है। कल उन्होंने काफ़ी शेयरों के बारे में मुझे बताया, ज़्यादा पैसा नहीं लगा, वैल्यू पैसा ज़्यादा लगाने की नहीं है, वैल्यू यह है कि कम पैसे से प्रॉफिट कमाने की है। उनको कल अलग अलग तरीक़ों से मैंने बताया और वो कह रहे हैं सर मेरी तो ज़िंदगी से पलट गई और मुझे लगता नहीं कि मैं इस तरीके से पैसे कमा सकता था। देखो सर, इन चीज़ों पर मेरे पे फ़ोन भी आते, कहते सर आप ऐसे फ्री में क्यों सबको ऐसे समझाते हो। देखो एक चीज़ बताओ, मैं अपनी मेहनत से अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमाता हूँ, कम पैसे हैं मेरे पास, भैया इतने तो पैसे नहीं हैं, पर इसी चीज़ का पैसा लोगों के पास ज़्यादा है। अगर वो अलग अलग वीडियो देखकर किसी और कम यूट्यूबरों की वीडियो देखकर वो पैनी स्टॉक में अपने पैसे को फंसा देंगे तो उनका नुकसान है कि नहीं है। छोटे लोग भी, छोटे निवेशक भी, लड़कियां तक अब इस फील्ड में आ रही हैं, तो क्या वो दूसरों की पैनी स्टॉक की वीडियो देखकर जो वो उकसाते हैं उसमें अगर वो पैसा लगाएंगे तो उनका शुरुआती खराब हो गई तो आगे वो क्या वर्क कर लेंगे। भैया हम तो पैनी में टेंशन लेके समझ गए, पर हर एक बंदा नहीं समझता, फिर वो बाहर निकलेगा चार को और बताएगा मार्केट खराब है। मार्केट कैसे खराब होगी जब आपको मैं हिंडाल्को, यस बैंक, BCG हर एक की रणनीतियां समझा रहा हूं, तो कैसे वो चीजें खराब हो जाएंगी? और क्यों इन चीजों को मैं आपको पैसे देकर बताऊं? भैया मैं एक चीज समझता हूं कि जितना ज्यादा मैं इसमें एनालाइज करूंगा उतनी ज्यादा मेरी बुद्धि बढ़ती जाएगी, मुझे तो इतना पता है कि ज्ञान बांटते ही बढ़ जाता है। इसी तरीके से कल एक कमेंट भी आया और उस व्यक्ति ने कहा कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर तो पहले तो आप निगेटिव थे। भैया जब वोडाफोन आइडिया के प्रति में निगेटिव था तो शेयर 5 रुपये में भी था, और जब मैं वोडाफोन आइडिया के प्रति पॉजिटिव था तो उस टाइम शेयर 4 रुपये में भी था, और जब वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ चीज़ें नहीं थी तब मैंने इसके टारगेट 18 के बताए थे, उस टाइम मैं टारगेट बताता था। भैया टारगेट मैंने बीच में बताने बंद कर दिए अभी, और इस शेयर ने 18 को टच करके दिखाया था, तब से काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। क्या जब मैं वोडाफोन आइडिया की वीडियो बनाता हूँ तो क्या उस हिसाब से वोडाफोन आइडिया के अंदर हरकतें नहीं होती है? क्या आज वोडाफोन आइडिया के अंदर जो तेजी आ रही है, क्या मैं तेजी आने के बाद वीडियो बनाई या तेजी आने से पहले आपको समझाया जब शेयर गिर रहा था? मैंने कहा कि अब IPO के माध्यम से मजबूत है, रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कब बताया? जब शेयर गिर रहा था। बात वो होती है कि जब शेयर भाग गया तब वीडियो बनाना तो अलग बात हो जाती है, पर जब शेयर गिर रहा हो तब उसके बारे में समझाना और उसके बाद वो शेयरों के प्रति अलग दृष्टि को आगे जो बन जाती है उससे उस चीज की वैल्यू नजर आती है कि एनालाइज क्या चीज होती है। शाम पहले एक लड़का था, वो अच्छा था, मैंने उसकी तारीफें कर दी, सामने अपने दोस्तों के साथ रहकर अपनी संगतों के साथ ऐसा कर दिया कि उसकी जो अच्छी संगत वो भी खराब हो गई और शाम खराब हो गया। क्या अब भी शाम को मैं अच्छा कहूँगा? फिर शाम की दिमाग पलटा, यार नहीं मुझे अपने माँ बाप को पालना है, शाम अच्छा हो गया तो मैं अब क्या कहूँगा? अच्छा कहूँगा। इसी तरीके से है शेयर मार्केट, कल को हमारी नजरें किसी शेयर के अंदर गलत है तो आज उसने अच्छा काम कर दिया तो क्या वो अच्छा नहीं होगा?
वोडाफोन आइडिया के अंदर, तब ये कमेंट मुझे लाजमी अच्छा लगता है कि जब वोडाफोन आइडिया की शेयर के तेजी के अंदर मैं वीडियो बनाता और उससे पहले ना बनाता। तो मैं समय समय पर वो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, पहले आप ये बात समझ लो। FPO आने से इसके अंदर भारे आगे जाकर आएंगी और आगे जाकर 4G का विस्तार और 5G की चीज़ों के साथ रणनीतियाँ बनाएगा। 15 का टारगेट अभी हाल ही में दिया था और मैंने आपको क्या कहा था कि इन्होंने 15 का जो टारगेट दिया है, उस टाइम शेयर 13-13.5 रुपये में था, मैंने कहा तो 15 तो एकदम हो जाएगा, क्या 15 नहीं हो गया। अब इस शेयर के 18 रुपये टारगेट आ रहे हैं। कल जो एरिक्सन इंडिया वाली परसों मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि इसके वजह से इसके अंदर तेजी के संकेत, और ये भी न्यूज में है कि इसके वजह से इसके अंदर तेजी के संकेत। और इस उपलक्ष में BSE एक्सचेंज ने एक इनसे स्पष्टीकरण मांगा कि इस न्यूज के जो आ रही है कि भैया एरिक्सन इंडिया जो है आपको 5G रोल आउट करने के लिए बातचीत हो रही है, इसका स्पष्टीकरण दो। तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया है। देखो सर, अगर ये चीज़ होती निगेटिव तो मैं आपको बता देता। आप एक चीज़ समझो, वोडाफोन आइडिया क्या कह रहा है भैया, वोडाफोन आइडिया एक चीज़ कह रहा है कि एरिक्सन इंडिया भी उसके काम करने के लिए जो भी चीज़ें वो करता है उसका एक विक्रेता है, तो उससे भी उनकी बातचीत है, पहले से ही है, और एरिक्सन इंडिया जो है अपने पद चिन्हों में चल रहा है। पद चिन्ह कौन से हैं उसके? 5G का रोल आउट कराने वाली चीजें, तो वो तो अपने पद चिन्हों में चल रहा है। और वोडाफोन आइडिया सिर्फ एरिक्सन इंडिया से नहीं, विभिन्न विक्रेताओं से भी बातचीत कर रहा है, तो उन्होंने इस चीज को नकारा नहीं है कि ये जो बातचीत हो रही है ये फेक न्यूज थी। उन्होंने कहा है कि भैया वो अपना काम कर रहा है, इससे ज्यादा वो क्या बताए। तो ये पॉजिटिव संकेत है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो ये न्यूज़ निकल कर आई थी, तो वो पहले से ही वोडाफोन आइडिया का एक विक्रेता है, वोडाफोन आइडिया उसका कस्टमर है, और वो अपने 5G के लिए काम करता है, पद चिन्हों में चलता है। विभिन्न नेटवर्क गियर के चीज़ों के साथ जो बात कर रहा है, विक्रेताओं से बात कर रहा है, वोडाफोन आइडिया बात कर रहा है, बातचीत चल रही है, पॉजिटिव संकेत है ना, इस चीज़ को आपको समझ कर चलो। तो भैया हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी, कमेंट करने से पहले समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ आज ख़राब है तो वो ख़राब की दृष्टि से। जैसे कल मैंने आपको इंडिया बुल्स में चीज़ें बताई तो वो तो निगेटिव दिख रही हैं, आगे उसके अंदर अच्छी चीज़ सेल्स होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पर उस दौरान उन चीज़ों से पैसा कमाया जाता है। इस गतिविधियों को समझो कि आज कुछ चीज़ गलत है तो उससे लॉस हो रहा है, वही चीज़ अच्छी होगी तो उससे प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों अवस्थाओं को समझना है कि जब वो ख़राब है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो, और जब वो अच्छा है तो अपनी होल्डिंग बना लो। ये तो बहुत आसान तरीक़ों से बता रहा हूँ, इसलिए भैया ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर वोडाफोन आइडिया को कह रहा हूँ कि भैया नहीं 2 रुपये में जाएगा और उसके बाद वोडाफोन आइडिया बहुत अच्छा काम करके 50 में पहुँच गया और मैं कह रहा हूँ नहीं 2 रुपये जाएगा जी, वैसा नहीं होता। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर आप समझो सुधारात्मक AGR जो याचिका लगी पड़ी है, AGR सुधारात्मक जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। 18 रुपये की भी टारगेट इसके अब निकल कर आ रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया की रणनीतियाँ भी समझो, और ये समझो कि आदित्य बिरला $100 बिलियन का उनका मार्केट कैप पार हो गया। भैया दो ही चमकते हुए नजर आए, एक तो अडानी ग्रुप और एक ये आदित्य बिरला ग्रुप। और आदित्य बिरला ग्रुप के साथ समझना है कि वोडाफोन आइडिया भी एक चमकता हुआ सितारा लग रहा है, उस रणनीति को समझ लो, है ना। तो धीरे धीरे से ही हर एक चीज़ होगी, जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ नहीं होगी। वोडाफोन आइडिया अपना 5G जब लॉन्च करेगा और ज़्यादा वो मजबूत होगा। तो हिंडालको से आज आपको क्या समझ में आया अगर मुझे बता देना। दूसरा आपको अशोक लीलैंड से क्या समझ में आया सर मुझे बता देना। और वोडाफोन आइडिया की जो ये न्यूज़ थी उससे वोडाफोन आइडिया ने क्या कहा उससे आपको क्या समझ में आया मुझे बता देना। किसी को भी इस चैनल पर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर चीज़ों को समझने, साइकोलॉजी को मजबूत करने और रियल न्यूज़ समझने के लिए ही आपको आना पड़ेगा, इसके अलावा यहाँ कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किटू आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।